अलहमदल रबीन वसलासलम सैदिल्बिया वसल सदिना व मौलाना महमदम वाला आलही वसहाबीही वबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ कुछ सुना और मुझे देखा जा रहा है बुनीतबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असल एक बार फिर नाजरीन आपको वाक़ता पुरनूर सुब में सुबह नूर के साथ मैं दिल की अत गहराइयों से खुश आमदेद के तौर और आइए बिला तो चले हज़रत अबोनीस मोहम्मद बरकत रहम की तारीफ असमान नबी करीम सल्ह वसलम से रसूल सल्ह वसलम का एक सुबारक पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुनाशिरु सल्ह वसलम हमारे सरदार इस्लाम फैलाने वाले दुरुदोस्म भजयल्ल वाली वसलम पर आप सल्ह् वसलम के आ पाक पर और साहबा कराम रजवानल तैम अजम पर हज़रत अब्दुल इबनर रदील्ला तैन है हज़ूर नबी करीम सल्ला वसलम ने फरमाया कि तबारक तौ के जिक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तू न करो क्योंकि जिक्री के बगैर कसरत कलाम दिल की सख्ती का बास है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताली दूर रहता है जना हमारे साथ आज आप जुड़े रहें क्योंकि एक ऐसी बारगाह एक ऐसी बारगा नाजरीन कि जिसका तस्करा करते हुए यकीन अदब को इंतहाई मलूज खाते रखना चाहिए जो मौलाए कायनात मौला अली करमलाजुल करीम की नूर नजर हैं उनकी आमद की उनकी विलादत पाक की मेरी जानब से नाइनटी टू न्यूज़ की जानब से और मेरे तमाम इस्कॉल की जानब से दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद यानी बातों को तराजों की तरह तोलने वाली भाई की शहादत की गिरा खोलने वाली

ये गुलशन इसमत की वो मासूम कली है तथ में जहरा है तेवर में अली है नाजीन कराम, कराम तमाम ही देखने वालों को और मुसलमानों को बहुत मुबारकबाद कि वह हस्ती जो अपने बाबा जान की इज़्ज़त तौकीर का हवाला बनी वह हस्ती जो अपनी अम्मी जान की इस्मत व तहारत का हवाला बनी जो इल्म का फहम का फिरासत का इस्तिारा बनी जो इबादत का रियाजत का जहद व तकवा का इसहारा बनी जो क़ुरबानियों का जो ईसार का जो शब्र का जो हिम्मत का जो इस तकामत का जो बहादुरी का जो जुर्रत का जो फसाहत का जो बलागत का जो खिताबत का जो मोहब्बत का जो उल्फत का जो मामता का जो जमाल मुस्तफी का जलाल का और अपनी जात में एक तहरीक का नूर नजर सैयदा जैनब सलाम्लाई फूल आपकी जिसम अजे हुए हैं आप सलाम्ला है जो ताजदार हैं आप सलाम्ला

बली फा भी हैंगबती हैं, हैं। है। देखनी है तो सैदब सलाम्ल की हस्ती को देख ले और किसी ने अगर देखना है कि एक औरत जब मसाहब में घिरती है मसाइल में घिरती है परेशानियों में घिरती है तकालीफ में घिरती है एक तरफ मैदान करबला में बाईस हजार का यजीदियों का लश्कर है कि जिनके पास ताकत भी है जिनके पास क़वत भी है जिनके पास असलाह भी है जिनके पास सब कुछ है साफ सब, सब कुछ है यानी दुनियावी एबार से हर एक शह मौजूद है और दूसरी तरफ बयासी नफूस कदसियाँ हैं जरा सोचिए कि अगर किसी ने हिम्मत का शुजात का बहादुरी का इस्तकामत का एक औज कमाल देखना है तो सैदा जैनब सलाम की बारगाह में जाएं और जाकर देखें कि किस अंदाज से एक औरत डटती है किस अंदाज़ से एक औरत जरत के बल पर खड़ी होती है है? किस अंदाज से एक औरत इस्तेकाम का पहाड़ बनती है किस अंदाज से एक औरत सब्र का पहाड़ बनती है किस अंदाज से एक औरत बाईस हजार यजीदियों को ललकारती हैं किस अंदाज से एक औरत के सामने उसकी औलादों को उसके भतीजों को उसके असहाब को जो शहीद किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उनके कदम किसी सूरत नहीं डगभगाते सैदा जैनब सलाम्ला नाजरीन यकीन मानिए मैं खराज तहसिन अगर उनको पेश करना चाहूँ तो मेरे अल्फाज इंतहाई हैच और कम है कि आपकी शान इतनी बुलंद है कि रहती दुनिया तक आपने हर एक मजलूम को यह बतला दिया कि सामने यजीदी कितने ही ताकतवर हो जाए

हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान साहब तशरीफ़ फर्मा दूसरी शख्सियत मुमताज़ दीन जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फर्मा और तीसरी शख्सियत मुताज़ दीन जनाब अलावा मोहम्मद अहमद बरक़ी साहब तशरीफ़ फर्मा है तीनों बाबा आपको असल बर्शा मदैद और आखिर में मुल्क के मुताज़ शनाखा सीियर शनाख़ा जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब मन कबत का नजराना पेश करेंगे और मुझे यकीन है नाजरीन कि जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है खासतौर पर माएँ बहनें बेटियाँ तो ज़रूर हमारे साथ आज जुड़ी रहेंगी जनाब आगाज़ फरमाइए प्रोफ़ेसर साहब विलात पाक का खूबसूरत सा हसिन सा मौका वसिन मंजर नामा अपने अलफ़ों को रिफत दीजिए और ख़ानदानी अजमत व बुलंदी का तो क्या ही कहना साहब कि उनकी अजमतों को बयान करके अजमतों के सफर में हम अपने नाम भी कहीं ना कहीं लिखवा देते हैं और ख़ास तौर पर वो क्या हसीन लम्हात होंगे जिनको अल्फाज में यकीन बयान नहीं किया जा सकता लेकिन ज़रा एक तस्वुर तो बनवाइए कि जब आपकी पैदाइश हुई और सरवर दो जहाँ सल्हु वसलम उस वक्त आप पर ख़ासनायात फ़रमाें बसमिल्लर मसलआलाहम्मद वहम्मद वारक वसलम बहुत शक्रिया महतरम जुनेदबाल साहब कि आज आपने हमें मौक़ा दिया हमें भी और सुनने वालों को भी कि अपनी ज़ुबानों पर अपने कानों के ज़रिए वो मुकदस नाम सुने और लें कि जिसके नाम से ही बदन के अंदर ततहीर का अमल शुरू हो जाता है अल्लाह हु अकबर आदमियत को नाज है जिस पर अल्लाह वो तकद्दस माआब है जैनब अल्लाह हु अकबर जैनब नाम है ज़िंदा वफ़ा का अल्लाहब वो मुक़दस वजूद कि जिसमें इंसानियत के दरोबाम को मुनवर कर देने वाली शमे झिल मिल झिलमिल करती दिखाई देती एक ऐसा वजूद कि जिसके मीनार अजमत पर किरदार साजी का एक ऐसा परचम लहराता नज़र आता है जो दुनिया इंसानियत की अजमतों और रिफतों के लिए निशान रह भी है और मंजिल भी है क्या नाम है सैदा जैनब सलाम्ला का गुलस्तान नबुवत हो या चमनिस्तान विलायत <sinisteru> गुलशन जहरा हो के हसनैन के बागात हूँ अल्लाह इन में जो हर तरफ से खुशबू बिखेरती कली खुशबू बिखेरता फूल नज़र आता है वो सैद तना तो हजरत जैनब सलाम्ल हैं सुबह आपकी जब विलादत हुई तो लिखते हैं कि पूरे मदीना मुनवरा में ख़ुशी की एक लहर दौड़ गई सुबह के खान वाद रिसालत विलायत में चांद का टुकड़ा उतर आया है आपकी विलादत पर किस कदर मसरतें थीं कि सैदा आमना सलाम् सैदा फ़ातमा सलामल मौलाए कायनात की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती हैं अल्लाह ने हमें क्या चांद सा एक टुकड़ा दिया है अल्लाह इसके लिए कोई नाम तजवीज़ फरमाए तो मौलाए कायनात सुनकर फरमाते हैं कि मेरी ये हिम्मत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए इनका नाम मैं तजवीज़ करूँ अल्ला खुद आ का सलात व तस्लिम ही इनका नाम तजवीज़ फ़रमाएंगे और इत्फ़ाक़ ये है कि उस वक्त रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनवरा से बाहर थे तीन दिन इंतज़ार किया गया और जब सरवर कायनत सशरीफ़ लाए और आपकी खिदमत में सैदा हज़रत जैनब सलाम लहा को पेश किया गया तो सरवर दो जहाँ अलैहि वसल्लम जिनके बारे में क़ुरान कहता है कि वह आओ अन हम इस हम वलअला कानतम वो, वल कानत वो दुनिया के अंदर बंधन वो जिल्लत के सामान जिन में से एक सामान ये था कि बेटी को जिल्लत का निशान समझा जा रहा था और बेटी के पैदा होने पर खुश होने की बजाय गम का इजहार किया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को भी जो अजमतें दी और आज जो आपकी खिदमत में लाई गई आपकी नवासी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथ मुबारक में लेकर अपने रुखसारों के साथ लगा दी अल्लाह अकबर कितनी देर देखते रहे और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर अपना लुआब दहन सैदा जैनब सलाम्ल के हल्क में डाल कर उनको जो इज़ अजमतें जो रिफतें जिनका चेहरा मुबारक देख कर कलमा पढ़ने वाला इतनी रिफत अल्लाह और जिनके गले मुबारक में अल्लाह नबी अक्रम रहमत आलम सल्लाम का लुहाब मुबारक का उनकी रिफतों का अंदाजा उनके वजूद के अंदर आपने लुहाबे दहन और उसके बाद

तो निसाइल जन्ना और इस तरह से भाई कौन है कि जिनको रेहानता रसूल रसूल रसुल्ला की खुशबू है उनको दुनिया के अंदर दुनिया ने देखा और फिर आगे चल कर जिस तरह आपने भी बयान किया कि जो अजमत तो हकीकत इसमें कोई दूसरी रानी आगे जाके इस पर बात करते हैं साहब आज वो जो जैनबी सोच और जैनबी अप्रोच की किस हद तक जो है वो हमें जरूरत है लेकिन इससे कब ज़रा ये बताइए नाम साहब के ये जो अलबात अमूमन होते हैं ये किसी शख्स की कोई औसाफ देख के रखे जाते हैं किसी में कोई खास वफ़ है उस वसफ़ से मुतल जो है वो एक लक़ब उसको दे दिया जाता है फिर ज़्यादा बा, बाई द पैसेज ऑफ टाइम वो लकब जो उसके नाम का हिस्सा बन जाया करते हैं और बुलाने से पहले जो हमेशा लोग लगा के सी लगा के बुलाया करते हैं ये तोाहिर एक आम इंसानों की बात है ना जहाँ घराना रसूल सल्ला वसलम की बात हो अहल अथार की बात हो तो मेरा तो बड़ा फर्म बिलीव है इस बारे में कि अलकबा बुनियादी तौर पर इन हस्तियों से जुड़ कर रोशन हो जाया करते हैं अलकबा जो हैं वो मुसफ़र मुजल्ला हो जाया करते हैं तो कसर अलकबा कसीर अलकबा आपकी शख्सियत में नज़र आते हैं उनके बारे में ज़रा बतलाइए जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया जुनेद भाई ऐसी हस्तियों के जो अलकबात हैं वो उनकी शान को उजागर नहीं करते बल्कि लफज़ों की और अलकाबात की शान उजागर हो जाती है उनके नामों के साथ कर और सयदा ज़ैनब स आपके अलकाबात मुबारक आपने भी बड़े हसीन अंदाज में जिस तरह प्रोए हैं यकीनन ये आपकी ये जो लम्हे विलादत है उसका तस्करा करने के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने माशा खराज अक़ीदत किया और दिल बाग बाग हो रहा था सुन के अल्ला तबारक वा तबुलरमाए देखिए जहाँ तक अलबात का ताल्लुक है मैं इस बात को यहाँ से लेता हूँ कि ये सुन्नत इलाहिया है कि अल्लाह ताला ने तुरान मजीद के अंदर अपने नेक और मुकर्रब बंदे और अपने प्यारे बंदों के अलकबा को बयान फरमाया है और एक मुकाम पर नहीं बीस यूँ मकाम पर अल्लाह ताला ने उनकी सिफात को बयान फरमाया कहीं मुतकीन कहकर फिर आगे उनकी सिफात का तस्करा शुरू हो जाता है कहीं मोमिन कहकर फिर आगे उनकी सिफात का जिक्र शुरू हो जाता है।, है और अल्लाह अल्ला तबारक ने नेक और बंदे अहले ईमान, उनकी अजमतों और शानों को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया मजीद के अंदर कि वो रुकू करने वाले वो सजदा करने All वाले वो जिहाद करने All वाले वो सब्र करने वाले All वो वरा और जहद वाले और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मखलूक़ से कट जाने वाले और उनके दिल खशियत वाले यानी इस तरह के बेशुमार अलकाबात जब अल्लाह ताला ने बयान फ़रमाए अहले ईमान के ये सुन्नत बन गई हमारे लिए ईमान के अलकाबात का ज़िक्र करना और उनके सिफात को बयान करना ये सुनत इलाहिया है और हम उस पर अमल कर रहे हैं ये ला की तोफ़ी से है फिर इसी तरह आकल सल्लाम ने ईमान के और मर्दान हक के और मस्तूरात हक़ के उनके अलकबात को सिफात को शानों को बयान फरमाया तो जब यह सुन्नत इलाहिया है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आपकी मेरी और हम में से हर एक की हर कलमा गो की सदत इसी बात के अंदर है कि अहले ईमान की शानों का तस्करा करें जना... तो जहाँ तक सैद ज़ैनब रदील तन वाम आप के शान अज़मत और का तस्कर है तो अल्कबात आपके कसीर हैं और कसीर क्यों ना हूँ जब शान कसीर हैं अल्लाह हर हर शान की जिहतें कसीर हैं Allah. और वो हर शान की जिहतें कसीर कैसे ना हों कि वो वो फैज़ और वो बरकत वो पाया कहाँ से आपकी सीरत और शख्सियत यकीन जैसा किबला प्रोफेसर साहब ने जिक्र फरमाया कि जब इस्लाम ने घुटी मुबारक दी है तो आकलतम ने गोया फैस भी अता फरमाया अपना सीरत का Allah. अपनी शख्सियत का तो आपके सैदा जैनब आकलत वसलाम की सीरत का अक्सर जमील नजर आता

इनकी तरबियत के अंदर वो फैज़ और तासीर अता फरमा दी थी वो तासीर रख दी थी कि जिसके नतीजे में इतनी खूबसूरत शख्सियत बन के Allah, निखरती है कि फिर वो अलकाबाद क्यों ना हो आपका लकब मुबारक जो सबसे मारूफ हुआ वो हुआ कि अकेला बनी हाशिम अल्लाह के बनी हाशिम के अंदर जो सबसे ज्यादा फहम और फर, फरासत रखने वाली बसरत और बसारत रखने वाली अकीला बनी हाशम यह आपका ऐसा लकब मुबारक है जो आपके इम्तियाज और आपकी इम्तियाजी शान को जाहिर करता है आपकी इंफरादियत को जाहिर करता है फिर फाहमो फरासत चूंकि बेल्टेन भी था बाई पोटेंशियल था और फिर जिस घराने में तरबियत पाई ऐसी? तो उसमें उसकी ग्रूमिंग भी हुई और ग्रूमिंग हुई तो उसको जब ईमान और तकवा के साथ जोड़ दिया गया तो फिर वो जो अक्ल था और अकेला बनी हाशे होने का फाहम और बसीरत था वो जुड़ गया मारिफत इलाही के साथ और जब मारिफत इलाही के साथ जुड़ता है तो फिर आप आरफा भी हैं आलिमा भी हैं फाजिला भी हैं Allah फिर आपकी शख्सियत का जो सबसे बड़ा नुमाया पहलू उभर कर सामने आता है वो मैदान करबला के अंदर शुहदा करबला के साथ और इमाम आली मुकाम इमाम इमामा इमाम, इमाम हुसैन दिल्लम आपके साथ उभर कर सामने आता है इसलिए आपको शरीकत हसैन के नाम से Allah जाना जाता है बल्कि शरीकत शुहदा के नाम से जाना जाता है और नायबतरा और नाइबतुल हसैन दिल्ल

लेकिन ये वो हस्तियाँ हैं कि इस इस पूरी कायनात यानी हजरत आदमी सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी मुसलमान आएंगे उनमें जो टॉप ऑफ द लाइन हस्तियाँ हैं वो वो हैं जो कि घराना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं यकी अंबिया कराम का अपना मरतबा तो बात यह है कि उन हस्तियों की साया तरबियत पाना ये किसी प्रविलेज से कम नहीं है एक बात दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जो आपको फहमो फिरस्तः फरमाई थी इसके बारे में और फिर अगेन वही बात वो जो आ, दर मुस्तफा की खैर आपको इब्तदा में मिल गई और मौलाई का कालम आप में मुंतिल हो गया तो वो जो मदीनतुल मदीनातल का फ़ैस था मकाम मरतबे की सूरत में जैसे झलका बताइए बिसमिल आज हम हज़रत सदा ज़ैनब बिनते आलिया फातिमा रिदवान ला मजमाइन उनकी विलादत के हवाले से यहाँ पर जमा है और यकीनन ये वो वक्त है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरने में एक फ़र्द के इजाफे की सूरत में अल्लाह ताला ने इन आयात को जारी रखते हुए हज़रत सीधा फ़ातिमा ज़ाहरा की सूरत में ये ख़ुशियाँ मरहमत फ़रमाईं उन्हीं खुशियों का आज हम तस्करा कर रहे हैं अल्लाह ताली हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा ख़ुशियाँ नसीब फरमाए तो यहाँ पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपका ये ताल्लुक़ है कि नबी करीम अलैहि तही वसल्लम आपके ज़ाहिरी ज़ेर साया आपने कमो बेश पाँच साल से ज़ायद का अरसा गुजारा माशा और उसके बाद जो है वो आपने जाहिर है अपनी वालिदा मोहतरमा और ये पाँच साल वालिदा मोहतरमा भी साथ में रही और साथ में मौलानी मुर्तजा शे ख़ुदा करमल्ला तजुल करीम का भी आपके ऊपर दस्ते शफकत रहा यकीन? तो अला तरतीब जब वह हस्तियाँ अपने अपने, अपने ज़ाहरी दारे फनासे दारे बका की तरफ मुतव हुई हैं तो इनको वो हम इब्तदा से देखते हैं कि हजरत सैद्दुल्ला फरमाई थी हजरत मदीना के बाद तो उसका फैजान ये था कि हजरत सैद अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी आपको अल्लाह तला ने जब इनकाज का वक्त था तो एक हजार गुलाम अता किए थे जो मुख्तलिफ जुबानों से ताल्लुक रखने वाले थे यानी जिस तरह पंजाबी है तो इसके कई कई मदारिज हैं, कई कई अंदाज है बढ़ने हाँ। वाले हाँ। हैं हाँ। तो ये एक सौ खास तौर पर ऐसे गुलाम थे जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते थे okay. हर एक की जुबान अलग अलग थी और अब्दुल्ला बिन जुबैर हर एक से उसी की मादरी जुबान में गुफ्तु किया कर ये गुटी है उसकी बरकत है और साथ में ये आका का नूर भी जो है तेरी जाते पाक से जो नूर नूर का तजल्ला निकला है तो अगर आज चौदह सदी के बाद वो दुनिया को जगमगा रहा है तो जिनको जाहिरन पहले बगैर किसी वक्फे के और बगैर वास्ते के नसीब हुआ होगा उनके अंदर कितने अनुवाद बात यह कि जिगर गोशे का जिगर गोशा जिगर गोशा तो आलम क्या होगा तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी जाते वाला तबार से सिर्फ यूज़ोबरकत हासिल की और कई मरतबा नहीं बल्कि जब भी ऐसा मौका होता आपकी विलादत के बाद सयदा फातिमा जहाँ हजरत इमाम सैदा इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह तुम उनको लेकर आका की हिमत में आया करती थी तो वहाँ पर हजरत सैदा जैन अभी साथ, साथ शामिल हाल हुआ करती थी ये असल में मैसेज था कि दुनिया की राहत है तो ये भाई है आपके तरबियत का हिस्सा है कि आप इनके साथ हो और अगर कल को मुश्किल वक्त तो थी। 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 और जहां तक हजरत सीधा मोलाजा शेर खुदाजद का ताल्लुक है तो आप हजरत सीधा जैनब को आका करीमलातम के मिजार पुरान के लिए लाने के लिए एक खास एहतम फरमाते थे और वो ये था कि जब आप चलते तो उस वक्त वहां पर आगे जो चिराग जल रहे होते थे वो बुझा दिए जाते थे दाएं तरफ आपके हजरत सैना इमाम को रखा जाता और बाएं तरफ हजरत सईना इमाम हुसैन को रखा जाता और इनके आगे आ, आप खुद हजरत मौलानी पाक रजी और बाफ़ा इनके पीछे चला करते थे ये एक पर्दे का और शर्मो हया का वो मैार है जो हमें दर आहले बैत से ही हासिल हो जाते फिर हम देखते हैं कि जहां तक आपकी तरबियत का और इलमी जाहो जलाल और जमाल का है तो वो तो उसी से जाहिर हो गया कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह के और इनको तो खास तौर तो पर इनायत रही तो कोफा के अंदर जहां हजरत सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह हो आपने वहां पर जो पहली दरसगाह कायम की थी दौर फारूकी के अंदर तो उसका परतव था कि हजरत मौला अली पाक रजी अल्लाह जब यहां शिफ्टिंग फरमाई कोफा के अंदर तो उस वक्त एक गली से गुजरते हुए घर से कुछ दो औरतें थी जो शरीय मसाइल पर गुफ्तु कर रही थी और आवाज बाहर आ रही थी अच्छा तो वहां पर हजरत मौलाजी ने दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह तला इब्ने अपने उम पर रहमत करे अब्दुल्ला बिन मसूद जारी रखना जरूरी था और साथ में आते इनायात है उनका तस्करा रखना भी जरूरी था तो वो फरीजा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी के बाद अगर खबीन में किसी ने अदा किया है तो वह हजरत सईदा जैनब रजिया और आप जो है वो बाकायदा घर के अंदर तदरीस फरमाती है और हजरत मौलालीक रजी ये भी एक इम्तिहान का हिस्सा था कि आप कई मरतबा सुन लिया करते थे कि ये बयान क्या करती अच्छा। हजरत लिसान थे और रासदारे मुस्तफा थे पूरी जिंदगी के तो कई मरतबा हजरत अबी से भी ऐसी मुनासिबी तो आपको अच्छी तरह समझा दिया करते थे यानी हक कहने से हजरत मौला की कभी नहीं रुकती थी। लेकिन बेटी की बात आती तो वो इतना बेहतरीन अंदाज में दीन की वजहत फरमा रही होती कि खुद हजरत मौला कायनात खुश हो रहे होते थे और इनके लिए दुआ फरमा रहे थे कि मेरी बेटी वाकई एक मैं आपको यहां पर और भी पाक आप से ही रिवायत बयान करना चाहूंगा चूंकि ये विलादते का जनाब जनाब है। जनाब तो जनाब की विलादत तो सैयदा जैनब का सैयदा जैनब की हजरत खुद रिवायत फरमायी इमाम अबू न नेलायूआ में बयान किया मोलाजी से हजरत सैदा जैनब फरमाती मैंने अब्बा जी से सुना मेरे अब्बा जी फरमाते नबी जा आहू अब्दुल मुतलिफ आज व कब्बल आहू के एक मौका ऐसा है जब आका की विलादत हुई तो हज़रत अब्दुल मुतलिफ रजी सैद आमिना सलाम अलैहा के पास आए और वहां पर आकर हजू सलाम को थामा और आपको बोसा दिया और आपको सीने से लगाते हुए सुमह दफाफा आहू अला अभी तालि तो हजूर अल्लाम को विलादत के वक्त ही इनके दादा जान के, सपुर्द कर, दिया। और उसके बाद के आपने ये सपुर्द कर रहा हूं चूंकि इनकी बहुत बड़ी शान मुकाम और मरतबा होगा और फिर यह देखिए मिलाद मुस्तफ़ा पे जो हम करते हैं ये सारे का सारा सदा जैनब बयान फरमा रही है कि हुआ यह कि आपने फिर हुक्म दियार

मिलादे रही क्या कहने जी? कराम हमारे साथ जुड़े रहिए सईदा जैनब सलाम्ल हाँ, एक शख्सियत नहीं है एक मुकम्मल तहरीक एक मुकम्मल तहरीक एक मिशन का नाम है एक तहरीक का नाम है सईद जैनब सलाम्ल हाँ। वो जो मुस्तफी करबला में पहुंचकर हुसैनी अलम में मुंतकिल हुआ और बादस करबला वो ज़ैनबीम में जो है मुंतकिल हुआ ज़ैनबीम को जिस अंदाज़ से ज़ैनबी तहरीक के अंदर सईद ज़ैनब सलाम्ला ने मुंतिल किया नाजन वो अपनी मिसाल आप है मैं वक्फ़े से लौट के मैं चाहता हूँ ज़रा हमारे साथ जुड़े रहिए आप ये जो बेटियों का इकराम है ये कैसे होता है आपको बतलाएँगे ये जो भाइयों का लाड है बहनों के साथ वो कैसा होता है आपको बतलाएंगे और जो बेटियां अपने बाबा जान की तकरीम और तोकीर करती हैं वो कैसे करती हैं आपको बतलाएंगे और बहनें अपने भाई जान के साथ किस तरह से मोहब्बत करती हैं ये आपको बतलाएंगे और आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है जैनबी किरदार की आपको बतलाएंगे कि कैसे आप यजीदियों के सामने खड़ी रही हैं दूरू पाक सरकार की बारगाह में उनके हाल की बारगाह में पेश कीजिए जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आ कहता हूँ आमद है विलादत पाक है उस पाक मुताहर, मोतसम और मोहतरम हस्ती के नाजरन जो सानिय हैदर भी हैं जो सानिय जहरा भी हैं और जो अकीला बनी हाशिम भी हैं प्रोफेसर साहब सईदा जैन अब सलामल एक मुमासलत मैं चाहूँगा उस पर ज़रा साहब ज़रूर बात की फरमाइएगा कि जो सरवरद जहाँ सल्हुह वसम लाड किया करते थे सईद कायनात का और जो शफकत पितरी आपकी आमद पर ख़ास तौर पर नज़र आती है हमें मुझे ऐसा लगता है बड़ी एक रिजम्बलेंस है जब मौलई कायनत को और हम सईद ज़ैनब सलाम उल्ल को देखते हैं तो वो शफकत पितरी यहाँ पर भी हमें नज़र आती है फिर जो भाई जान का और अपना बहन का जो एक ख़ास ताल्लुक है मोहब्बत है और फिर अगेन वही बात कि एक बेटी की हैसीत से और बहन की हैसियत से जो आपने तकरीम और मोहब्बत फरमाई फरमाई है बात यह है कि मुआशरत की सुधार में जिस कदर मर्द का हिस्सा है उतना ही औरत का हिस्सा है जनाब क़रान ने सिर्फ़ ये नहीं कहा कि आशरुन्ना बिल्माफ इनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो औरत के साथ बल्कि फरमाया कि वाला वाल मिसल अल्ना बिलमूफ बराबर बराबर रखा अब चूंकि दुनिया इस चीज़ को भूल चुकी थी कि इस माशरत को बेहतर बनाने में अखलाक उम्मत का संवार में औरत का क्या किरदार है इसलिए नबी अक्रम रहामत आलम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने न सिर्फ ये कि ज़ुबान से फरमाया कि दो बच्चियों की तरबियत करने वाला दो बच्चियों को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह हाथ की दंगलियाँ जुड़ी हैं बल्कि अमला कि पैगंबर रहा वसलम की खिदमत में बेटी आए और इमामुल मुसलीन अवल आखिरीन खातमीन शफीजनबीन खड़े हो जाए अल्लाह अल्लाह माथे को चूमे सफर के लिए जब घर से निकलने के लिए जाएं तो सबसे आखिर में बेटी को प्यार देकर जाएं Allah सफर से लौटें तो सबसे पहले आकर बेटी को प्यार Allah Allah Allah. ये दुनिया को समझाना था कि जब तक तुम प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी बेटियों को भी वो कदर वंजलत नहीं दोगे जो बेटों को देते हो उस वक्त तक इस सफे अर्जी पर इंसानियत का बोलबाला नामुमकिन है नबी अक्रम रहमत आलम वसल्लम के इसी हसना को इस घराने ने तो खूबसूरत अंदाज में जिस तरफ भी आप नजर डालें औरत के लिए इतना वकार इतनी तमकनत इतनी मोहब्बत इतनी इज्जत इतना एहतराम नजर आता है कि इंसान दंग रह जाता है, है।, है। और आज के इस दौर में हम जालत की हदें पार कर चुके हैं ऐसा ही आज फिर बच्ची को बोझ समझा जा रहा है बच्ची को बोरी में बंद करके कूड़े दान पर डालकर आने वाले ज़रा सोचे तो सही कि वो किस कदर अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं नबी अकरम रहामत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि इमाम हुसैन रदीनों के लिए फ़रमाया था कि हुसैन मिन्नी वन मिन्नी हुसैन मैं कहा करता हूं कि जिस तरह हुसैन ने इस्लाम को ज़िंदा रखा उसी तरह सैदा जैनब ने हुसैन को जिंदा रखा अल्लाह अल्ला इसलिए यहाँ पर जो मोहब्बत के अंदाज़ नज़र आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात तो प्यार करते ही थे लेकिन सैद फ़ातमत ज़ाहरा सलामल एक दिन नबी अकरम रहा आलम सल्ला वसलम की खिदमत में बेटी को लाती हैं और अर्ज करती हैं कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने घर में एक अजीब कैफियत देखती हूँ फरमाया वो क्या फरमाने लगी कि मेरी ये जो है साहब जब इसे घर में हुसैन नजर नहीं आता रोना शुरू कर देती अल्लाह और उस वक्त तक रोती रहती हैं जब तक अपने भाई को देख नहीं लेती अल्लाह और अल्ला। जब भाई सामने आ जाता है तो खुश हो जाती हैं अल्लाह नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर आप पर एक कैफ़ियत तारी हुई आँसू की झड़ी लग गई फरमाया बेटी उमुलमसायब मुझे मालूम है कि मेरी ये बेटी उमुलमसाइब ही भी है ऐसा ही। तो वहाँ पर तो मोहब्बत का एक अंदाज़ था और सैयदना इमाम हुसैन रदील्ल हो इस कदर प्यार करते थे कि एक दिन शादी के बाद जब घर तशरीफ़ जैन बहन को मिलने के लिए गए तो देखा कि बहन पर धूप आ रही है और आपके सामने साया बनकर खड़े हो गए और उस वक्त तक खड़े रहे जब उनकी आँख खुली देखा कि मेरे भाई कब आए आप इतनी देर से मेरे लिए खड़े हैं लेकिन वो बता रहे थे कि आज मैं तेरे लिए साया बना हुआ कल एक वक्त आएगा और वक्त आएगा कल क्या मोहब्बत करेगी अल्ला तो ये घराना ही मोहब्बतों का था इस घराने ने ही क्या मत तक आने वाले लोगों को बताया कि अगर जमाने में तरक्की चाहते हो तो बेटियों को वो देखिए ये ये जो बात आप फरमा रहे हैं आपकी बात से मुझे जुमला जन में आया कि वो जो वो जो सईदा जैनब सलाम्लिया ने उस वक्त देखा ना कि आज मेरे भाईजान जो हैं वो मेरे लिए साया बन के खड़े हैं फिर आप ऐसा साया बन के खड़ी हुई कि सिर्फ़ भाईजान के नूरानी लाशें पर नहीं बल्कि उनकी जो आल औलाद थी उनके लिए भी बादस कर वाला जो है साया बन गई और मानता का साया बन, बन गई और मतलब ऐसे ऐसे साया बनी कि उस सा के अंदर फिर उन्होंने जो है अपने आप को महफूज मुकम्मल तौर पर पाया ज़रा साहब ये बतलाइए और ये ये सवाल करते वक्त ज़ाहिर है आप अब ये इसको बिल्कुल एक मुतलकन इस तरह से लीजिएगा हम पैमाना तो बना नहीं सकते कि सैदा जैनब सलाम्ला का जो व क्या है उनकी इबादत का क्या मुजाहिर है वो, वो उनका और उनके रब का ताल्लुक है आ, लेकिन उनकी इबादत के बारे में उनकी रियाज़तों के बारे में उनके सब्र के बारे में उनके इस्तलाल के बारे में जो कु हमें कुतुब में मिलता है तवारीख़ में मिलता है वो ज़रूर लोगों को बतलाइए साहब के ख़ास तौर पे जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो कुछ तो अपने आप को अपनी जिंदगियों को रिलेट कर सकें सैदा जैनब से फरमाइए बहुत खूबसूरत जुमला आपने ये फरमाया कि जोहद और तकबा जो है वो तो कल्ब की और दिल की कैफियत और हालत का नाम है तो हम उसे क्या जानें ये तो अल्लाह जानता है यकीन कि किसके दिल में तकवा का क्या मुकाम है मगर हमें जो उसकी निशानियां नजर आती हैं और वो निशानियां भी कुरान मजीद ने बताईं और आकाल इस्लाम की सीरत मत से जनाद। सामने आती हैं जब हम उस पैराए में देखते हैं सैदा जैनब सलाम्ल आपकी शख्सियत को आपकी सीरत को तो ये बात हमारे लिए बहुत अहम है हमारे लिए हमारी ख़्वीन के लिए माओ बहनों बेटियों के लिए ये बात बहुत पैगाम आफरीन है कि अजमतें ऐसे नहीं मिल जाया करतीमतों के हुसूल के लिए भी अल्लाह की बारगाह में मुजाहदा और रियाजत का एक मुक़ाम होता है यकीन और फिर जिन्हें वो मंजिलें मिल जाती हैं वो अज़मतें रिफ़तें नसीब हो जाती हैं अल्लाह की अताश है वो फिर अपने आप को अपनी सीरत से ज़ाहिर करते हैं सबित करते हैं अल्लाह के हमारी सीरत बता रही है कि हम इस काबिल थे जो हमें यूं नवाज़ा गया है अल्लाह तो सैद ज़ैनब सलाम्ल की सीरत में हमें जो नज़र आता है अगर हम जुहत और वरा की बात करें इबादत और बंदगी की बात करें तो सैदा ज़ैनब सलामल अल की ज़िंदगी में इबादत कैसी होगी कि जिन्होंने तरबियत उस गोद में पाई कि सैद कायन सलाम्ल का रात भर में एक सजदा मुकम्मल न और जिनके नाना जान आकाम के बारे में कुरान मजीद शराय मुजम्मिल के अंदर यूँ बयान फरमाता है के याल मुजम्ल कुमिल् कली निसफ़ होस्मिन हो और वरतुरा तरती के सारी रात गुजर जाती और आकम रातों को क्या होते हती के पांव मुबारक पर वरमा आ जाता तो यही जो शब की इबादत है हज़रत मौला कायनात की ज़िंदगी में नज़र आती है सैदा कायनत सला की ज़िंदगी में नज़र आती है तो सैदा ज़ैनब भी उसी तरह और ये जो रात का क़्याम है सैदा जैनब अलैहा ने कभी भी रात के क़याम को हज को रात के क्याम को जिंदगी भर कभी भी तर्क नहीं फरमाया नहीं। हत्ता के मैदान करबला में भी आपने नमाज ताज को नहीं छोड़ा उसको अदा फरमाया और जो सफर पूरा रहा वापसी का सफर भी करबला से वापसी का और करबला तक पहुंचने का सफर भी सफर की हर हर मंजिल पर हर हर मुकाम पर आपने रात की जो इबादत और बंदगी थी उसे किसी हाल में नहीं छोड़ा हत्या के इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदील्ला खुद एलतेजा करते हैं अपनी हमशीरा की खिदमत में कि बहन मुझे रात के सजदों में मुझे कभी मत भुलाना मेरे लिए अपनी दुआएं हमेशा जारी और सारी रखना। क्योंकि ये जो रात का सजदा है इसके बारे में कुरान कहता है कि इन्ना नाशियत या ले है या अशद वो व अकवा मुकिन अगर कोई चाहता है कि उसको ज़ुबान की पुख्तगी हासिल हो हा? सकाहत हासिल हो अच्छा. उसकी बात पुख्ता हो अच्छा. तो उसे रातों को जागना चाहिए अल्लाह के जिक्र में इबादत और बंदगी में अच्छा नफ्स को रौंद डालता है और आपकी बात को तकवियत पहुंचाता सुभारी. है तो जब हम सैदा कायन सैदा के अलकाबात में देखते हैं जब हम कि आप अकेला बनु हाशि हैं तो अकेला अक़ल फाहम, फरासत, बसीरत, बसारत उसका ताल्लुक़ इस शान के साथ भी है कि जो मुजाह और रियाजत रातों की इबादत थी इसी ने उनके अंदर वो पुख्तगी का रंग भर दिया था फिर इसी तरह सब्र सब्रकामत भी है और वो अपनी मिसाल आप है और करबला के सफ़र में जब आपको नाइबतुल हुसैन और शरीकतुल हसैैन और नाइबतशुदा के अलकाबात मिलते हैं तो आपका जो सब्र है ना एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सन्फ़ नाजुक सिनफ नाजुक की तमाम तर मुत को साथ मिला लीजिए और फिर देखिए कि सैदा ज़ैनब किस तरह इस्तेकामत का पहाड़ बनकर सामने सिफ नाजुक का आपने कहा हमारे लिए और हमारी क्या के क्या किया किया क्या क्या वो सिफ नाजुक आपने फरमाया ना तो दो मिसरे वो सामने आ गए किन्फ कि नाजुक जिसे कहते हैं अरबा नजर ज़ात में उसकी पोशीदा है उम्म का वक़ार वाह बात यह है साहब कि असर दुआ को मिला है जनाब ज़ैनब से बहुत करीब खुदा है जनाब जैनब अली की बेटी ने कलमे की आबरू रख ली सदाए सल अला है जनाब जैनब से ज़माना लाख बुझाए जमाना लाख बुझाए <laughs> बुझा नहीं सकता चराग दी की जिया है जनाब जैनब से तो ज़रा साहब अब ये बतलाइए अब आइए जरा उस मौजू की तरफ बड़े बड़े यजीद आए बड़े बड़े यजीद आएंगे ज़ाहिर है और हमेशा जो है जब भी यजीद के सामने मज़लूम खड़ा होता है तो उनके सामने इमाम आली मकाम माम हुसैन आसमाम की ज़ा होती है और सईदा जैनब सलाम्लै की ज़ात पाक होती है तो आपकी शुजात आपकी बहादुरी आज की दौर की औरत बल्कि यूँ कहिए साहब आज के दौर की उम्मत औरत क्या उम्मत की बात कीजिए ना कि जरा सईदा जैबलम की, की, की शजात बहादुरी और आज के दौर की उम्मत बताइए जी आपकी बहादुरी इसको अगर हम देखें तो इस बात से जाहिर होती है कि एक वक्त इससे पहले था कि जब आपकी फुफी जान हज़रत सैदा उम हानी रज़ील् तह नबी करीम सल्लासम की जान के दुश्मन जब पूरे कुफ़ार मक्का बन चुके थे तो उस वक़्त ये अभी मराज के अयाम गुजरे हैं तो आका करीम सलातम इन्हीं हज़रत सैद उम हानी के घर में ही आराम फरमा हो रहे थे जब महराज हुआ है तो उस वक्त यही उम्म हानि थी हजरत सदा जैनब रजीहा की फूफी साहिबा जो तलवार पकड़कर हज़ूर हजूरअसलातम के आराम करने की जगह के बाहर बैठकर पैरा दे रहे अल्लाह अकबर यानी आपको खून के अंदर ये चीज शामिल मिली क्या क्या? है। कि इस खानदान के मर्द तो मर्द हैं खातीन भी शुजात और बहादुरी से में से किसी से कम नहीं यानी बाबा से भी शुजात मिली और फुप्पो से भी शुजात और वो आपके सामने पूरा नक्शा मौजूद था बिल्कुल तो इसीलिए आपने वो जब शुजात दिखाने का मौका आया इससे पहले मौका नहीं आया था तो औसाफ जो होते हैं ना वो अपने अपने वक्त पर जाहिर होते हैं क्या, क्या तो ये तो औसाफ से मुसा थी तो जब यह करबला आया तो आपकी शुजात व बहादुरी जो है उसने अपनी पूरी पूरी रानाइयाँ दिखाना शुरू की कि वाकई हम उस अली हैदर करार की लखते जिगर हैं जिनको ना सिर्फ खैबर शिकन होने का शर्फ हासिल है बल्कि जिनको नबी करीम सल तसल्म की जनाब से बार बार यही जुमला आता होता रहा ला फताली ला साइफा इल्ला हुम हाँ। तो हम देखते हैं इस चीज का इजहार और प्रचार आपने कूफा के अंदर भी किया आपने दमिश्क के अंदर मुल्क शाम के अंदर यजीद के सामने भी किया जब एक मौका पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपनी जुबान चलाई और इनको तानो तशनी करना शुरू किया तो उस वक्त आपने जो कलिमात बोले हैं वो ऐसे थे कि जो लगते ही नहीं थे कि किसी एक मजलूम या किसी इतने सितम या इतने दिनों के भूखे प्यासे लोगों के जो अल्फाज और अंदाज हैं, बल्कि वो यूं था कि जैसे इंतहाई मजबूत और ताकतवर और फ्रेश इंसान जो है वो अपनी पूरी के साथ लड़ जाना चाहता है गवर्नर खूफा और यह भी में रहना चाहिए गवर्नर खूफा का मतलब एक शहर का गवर्नर नहीं था बल्कि उसका मतलब है कि वो पूरे इराक का गवर्नर था और ईरान का गवर्नर था और उसके साथ साथ वो हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर अटक तक का गवर्नर था अच्छा जी ये उस वक्त का इतना बड़ा ये गवर्नर था अच्छा तो अब उसके सामने इतना ललकार देना बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलिमा हक कहना और आपने वहां क्या जुमला बोला इसने जब यह ताना दिया कि आप लोगों को ला ला ने रुसवा कर दिया अब चाहिए तो यह था कि हमारे सर पर कुछ नहीं आप खामोश होके जब जाने गई तो ये अल्फाज भी बोल लेता तो क्या हरि था लेकिन वहां शेर खुदा की लखते जिगर पुकार उठी फिर मैं अलहमद लाजी बी मोहम्मद लाकमा तक अंता मैं अल्लाह तला का शुक्र अदा करती हूँ कि अपने नबी करीम इस्लाम के जरिए उसने हमें इज्जत अता फरमाई हमें पाकिजगी अता फरमाई बात ऐसे नहीं जैसे तू कह रहा है बल्कि इन्ना मा या तो फ्दाह अलफासी अपनी कर रहे, रहे, रहे हैं ही चर्चे है। जब ऐसे बोलते हुए आपने ये बड़ा तारी ही जुमला बोला कुतबा कतल हमारे अबाजदाद के ऊपर अल्लाह ने शहादतें लाजिम कर दी थी अपनी शहादत गाहों की तरफ वो आई वसाजमा अल्लाह जब कयामत जमा करेगा तो ये रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने अब उसके तन बदन में आग लग गई तो एक बंदे ने यार दिलाई यार कुछ शर्म कर ये और इनके सामने तू तो तेजी इख्तियार कर रहा है और आखिरी जुमला इस पर मैं बोलना चाहूंगा जो आपने दिमश के अंदर

लेकिन आपने ये बता दिया कि तो बहाद्रा और हर जगह करें किए बहुत शुक्रिया के साथ बरोज़ मेर सैनब सदका तमाम जिक्र करने वालों और सुनने वालों को अल्लाह फरमाए किताबा उस मुलाज मुलाजमत काम आपको बतलाते हैं कि नमाज ईशा के बाद दो रकत नफिल अदा करें ग्यारह बार दरूद इब्राहिमी और उसके बाद इकतालीस बार, बार सूरत फातहा पढ़ें और दुआ मांगें इस तरह अमल सात दिन तक जारी रखें इन शाह जो मुलाजमत के मसाइल हैं अल्लाह ने चाहा इन शह जल्द हल हो जाएंगे इमाम हसन पाकाम को कौल मुबारक है कि खामोशी जहालत को छुपाने का आला है इज्जत की हिफाजत का जरिया है खामोश रहने वाला राहत व तो इतमान में रहता है कोशिश करें कि कम गुफ्तु किया करें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र से ज़ुबान को तर रखें एक्सपे में फॉलो कर लें फेसबुक पेज को लाइक करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए आइए जरा अपनी अपनी रूह से तजदीद वफ़ा ला युन अहदकुमकून अहब अलह में वाल ही वालद ही व ना से जमाइन अल्लाह ताली आपका हमारा हम सबका पाकिस्तान का, का उम्मत मुस्लिमा का खास तौर तो पर गज़ा के रहने वालों और यमनियों के लिए बहुत दुआ कीजिए अल्लाह ताली उनका हामियों नासरों क्योंकि अब रफा बॉडर के ऊपर हमने शुरू होने वाले हैं खुदा ना खाकों बदएँ सूरत हाल क्या बनेगी हम तो अपने इक्शन और इन चक्करों में कुर्सी में पढ़ें अट्ठाईस हज़ार से ऊपर रिकॉर्डेड शहादतें हो चुकी हैं दुआ कीजिए अल्लाह ताली उनका हामीसों मुल्ल के मुताज़ नाखा जनाब अज अख्तर हुसैन कुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप खुश आहदी अलगम नारा लगाएंगे पाँच पाकिस्तान का मतलब क्या ला एला एला ला। 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 अजमत का निशान अजुमशान ਜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਹਿਲਾ ਤਾ ਤਾ ਜਾ ज़ैन हर केरु वैन अजम निशा ज़ैर्बान